तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल व्लॉग्स राहुल पे एक बार फिर से स्वागत है। और अभी आया हूँ मैं राजनांदगांव का वाटर पार्क, तो वाटर पार्क एंजॉय करते हैं और देखते हैं क्या क्या यहाँ का प्राइस है और कितना क्या चार्जेस लग सकता है और अंदर से कैसा दिखता है, सब मैं आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा। तो हमारे YouTube चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अंदर घुसते हैं और अभी बैठेंगे, उसके बाद थोड़ा सा वेट करेंगे, किसी से परमिशन लेना है इस वजह से। और मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या प्राइजेस हैं और कौन से टाइमिंग पे खुलता है, ये आपको मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ मंडे टू फ्राइडे और टाइमिंग है 10 AM से 2-5 PM और देख सकते हो 500 रुपये चार्जेस हैं। और ये है टिकट काउंटर जहाँ पे आपको टिकट वगैरह लेना होगा, तो अपन थोड़ी देर के बाद लेते हैं और देखते हैं। ये है सही कपड़ा पहनने का तरीका। फ्रेंड्स, ने ले लिया टिकट एक्वा विले यहाँ राजनांदगांव का, और अंदर चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से नज़ारा दिखता है। और 500 पर व्यक्ति का यहाँ पे चार्जेस लगा हुआ है टिकट में। और खुशी की बात यह है कि हम लोग ब्लॉगर हैं, हमने यहाँ के मैनेजर से बात किया तो उन्होंने 2 व्यक्तियों का यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट दिया हुआ है और 2 व्यक्तियों के यहाँ पे चार्ज लगाया, तो हमने मिल बांट के यहाँ पे पैसे दिए हैं। और अंदर चलिए दिखाता हूँ कि किस तरह से यहाँ पे एक्वा विले दिखता है। तो टिकट काउंटर से बाहर निकल के अपन आ चुके हैं, यहाँ पे अपने को दिखाना है टिकट और फिर चलना है अंदर की ओर। तो लेट्स सी, अंदर चलते हैं। फ्रेंड्स, हमने हाथ पे बांध लिया है बैंड, जो मैं आपको दिखाता हूँ कि बैंड कैसा दिखता है। तो इस तरह से बैंड है जो हाथ पे बंधा हुआ है, और ये जब अपन जाएंगे तो ये निकाल दिया जाएगा, तो इसी को माना जाता है यहाँ पे। और बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा ये फर्स्ट टाइम है जो कि मैं अंदर जाऊँगा और देखूँगा कि किस तरह का अंदर का नज़ारा है। अभी अपन आए हैं यहाँ पे अपन लगेज रखने के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ का मैं आपको नज़ारा दिखाता हूँ जो कि बहुत ही खूबसूरत है, और यहाँ पे सब इंजॉय कर रहे हैं तो अपन भी इंजॉय करेंगे, बट आपको पहले दिखाता हूँ। तो यहाँ पे पीछे में देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है और सब इन्जॉय कर रहे हैं, अपन भी थोड़ी देर में इन्जॉय करेंगे। पहले यहाँ का देख लेते हैं कि क्या क्या यहाँ पे है, तो उसको मैं आपको दिखाता हूँ। और मेरे जस्ट पीछे में देख सकते हो ये और फ्रेंड्स, यहाँ का पानी बहुत ही साफ पानी है। मैं है स्विमिंग पूल, जैसे कि आप देख पा रहे हैं सब इन्जॉय कर रहे हैं और यहाँ पे सब आके इंजॉय करते ही हैं गर्मी के दिनों में खास तौर पे। और चलिए अपन भी अब चलते हैं, इंजॉय करते हैं और नहाते समय व्लॉगिंग करूँगा और बताऊँगा कि पानी कैसा है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं पानी बहुत ही ज़्यादा साफ़ है और सबको नहाते देख मेरा भी अब मन कर रहा है, गर्मी कुछ ज़्यादा हो रही है। तो अपने रायपुर का अगर फन सिटी आप गए होंगे तो सेम उसी कैटेगरी का है, बट रायपुर फन सिटी ज़्यादा खूबसूरत है और ज़्यादा वहाँ पे भीड़ होती है, यहाँ पे भीड़ थोड़ी कम है। तो मैं ये नहीं बोलना चाहता, बट जो सच्चाई है मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। अगर आप राजनांदगांव में रहते हो, अगर आप रायपुर नहीं जा पाते हो, तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट है। तो चलिए इंजॉय करते हैं और इंजॉय करते हुए वीडियो रिकॉर्ड करते हैं।
बार और अंदर घुसता हूँ और देखते हैं। बहुत खूबसूरत, मजा आ गया गर्मी के दिन में। सच में भाई गर्मी के दिन में ये पानी के मजा ही कुछ और है, और फन सिटी टाइप में ही है। और सब देख सकते हैं एंजॉय कर रहे हैं, मैं भी एंजॉय कर रहा हूँ, मेरे दोस्त लोग भी है, दीपक भाई भी है और अपना हितेश भी है, देख सकते हो। आगे और बढ़ते हैं और ये सब पूरा एंजॉय करेंगे अपन। अभी सब दोस्त लोग वहाँ पे खड़े हैं, दीपक भाई और हितेश, तो वहाँ पे चलते हैं। बहुत ही मजा आ रहा है यहाँ पे यार, यहाँ देखते हैं। तो चलिए अब मैं चलता हूँ यार, अब देखते हैं। अंदर चलते हैं, ऊपर ऊपर है दीपक भाई, ऊपर चलते हैं भाई। बहुत मजा आ रहा है, यहाँ का वाटरपार्क बहुत ही खूबसूरत है, सच में बता रहा हूँ, बहुत अमेजिंग है। अगर आप यहाँ पे आते हो ना तो आपको कुछ बता नहीं सकता। ऊपर में अभी और दीपक भाई लोग आ रहे हैं, तो चलते हैं इसके नीचे। चलो अंदर चलते हैं। चलो अभी आए हैं यहाँ का स्विमिंग पूल पे और पैर बहुत जल गया। यहाँ पे इंजॉय करते थोड़ा सा फिसल गया था, यहाँ पे अब स्विमिंग करते हैं, सब यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं। बहुत ही गर्म है, थोड़ा सा पानी गर्म है, बस चलेगा ठंडा और गर्म। तो ये सब मस्ती कर रहे हैं दीपक और घनश्याम मिर्जा और अपना हितेश। पानी मेरा यहाँ तक है, तो अपना घनश्याम मिर्जा आ रहा है इस साइड में, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, और ये तैरते हुए आ रही है। डीजे अभी स्टार्ट होने वाला है, तो डीजे का एंजॉय करते हैं। हितेश